हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फंटेसी प्लेइंग लैब पर। आज हम बात करने वाले हैं सी बी ए लीग में जो आज का मुकाबला होने वाला है जेड डेल वर्सेज एस एस के बीच, जो आज का बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट होने वाला है। उस मैच के बारे में आपको इन्हें बताएंगे कि किस प्लेयर को आप पिक करके चले, किस को ड्रॉप करके चले, कौन सा प्लेयर आपके लिए समोली के और कौन सा प्लेयर आपके लिए ग्रैंड के लिए फायदेमंद होने वाला है। साथ ही साथ हम आपको इस मैच की ड्रीम टीम भी बनाकर दिखाएंगे और इस मैच के प्लेयर के स्टेट्स के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग पिक्स के बारे में। तो सबसे पहले स्मॉल लीग में हम बात करते हैं जेड एल की तरफ से जिंकी हु के बारे में बात करें। एज ए सेंटर वुमेन उन्होंने इस लीग में 875 से ले ऊपर पॉइंट कवर करके, तो एज ए सेंटर वुमेन आपके पास बेस्ट ऑप्शन होने वाले। चाहे आप इनको स्मॉल लीग में ट्राई करें चाहे ग्रैंड लीग में ट्राई करें, आपके लिए दोनों टीमों में लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले। तो अगर इनके करियर के बारे में बात करें तो 316 अभी तक इन्होंने लीग मैच परफॉर्मेंस करके, तो यानी कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो इनको आप अपनी टीम में एज ए सेंटर रूम में लेकर चले तो कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्लेयर के बारे में, सन मिंगयू के बारे में। तो सन मिंगयू को आप अपनी टीम में एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में लेकर चलेगा 802 से ऊपर पॉइंट कवर करके, तो आपके पास एक अच्छा खासा बेस्ट ऑप्शन पॉइंट गार्ड के रूम में जेड एल की तरफ से देखने को मिल जाएगा। तो इनको आप अपनी टीम में एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में लेकर चले तो आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। करियर के बारे में बात करें तो 323 अभी तक इन्होंने लीग मैच प्ले करके, एक्सपीरियंस प्लेयर है, पॉइंट गार्ड के रूम में आपके पास बहुत ही अच्छा खासा ऑप्शन होने वाला है। तो इन प्लेयर को आप अपनी टीम में लेकर चले तो आपके लिए गोल्ड साबित होने वाले। तो आप अपनी किसी भी टीम में इनको ड्रॉप मत करिएगा, चाहे आप समोली टीम बनाए चाहे ग्रैंड लीग टीम बनाए, इन दो प्लेयर को जेडल की तरफ से जरूर पिक करके चलिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छे खासे ऑप्शन होने वाले हैं एज ए पॉइंट गार्ड और एज ए सेंटर रूम में बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं एसएस की तरफ से जेनलिंग बांग के बारे में। तो एज ए स्मॉल फॉर्ड के रूम में इन्होंने 955 से ऊपर पॉइंट कवर करके, तो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन स्मॉल फॉर्ड के रूम में एसएस की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। इनको आप अपनी समोली और ग्रैंड लीग दोनों टीम में ट्राई कर सकते हैं, आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला। चाहे समोली टीम बनाए, ग्रैंड लीग टीम बनाए और कितनी भी टीम बनाए, आप इस प्लेयर को अपनी टीम में एज ए स्मॉल फॉर्ड के रूम में जरूर पिक करके चलिए। या करियर के बारे में बात करें 376 अभी तक इन्होंने लीग मैच प्ले करके, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, बहुत ही अच्छा खासा ऑप्शन होने वाला है। तो इनको आप अपनी टीम में एज ए स्मॉल फॉर्ड के रूम में लेकर चलें तो आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। अब हम बात करें जमाल फ्रैंकलिन के बारे में। एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में 851 के ऊपर अभी तक इन्होंने पॉइंट कवर करके, आपके पास बेस्ट ऑप्शन होने वाला है एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में। आप अपनी समोली और ग्रैंड लीग दोनों टीम में ट्राई करें तो आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। तो हमने आपको दोनों टीमों में से दो दो प्लेयर समोली और ग्रैंड लीग के लिए बता दिए दोस्तों। इन दो दो चार प्लेयर को आप अपनी समोली और ग्रैंड लीग दोनों टीम में प्लेयर पिक करके चल सकते हैं। समोली के प्लेयर आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग के प्लेयर आप समोली में बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रैंड लीग में थोड़े रिस्की प्लेयर को लेकर चल सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग में कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए समोली में टॉप से टॉप प्लेयर हम पिक कर चल सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रैंड लीग पिक्स के बारे में। तो ग्रैंड लीग में दोनों टीमों में से दो दो ऑप्शन आपको अच्छे खासे देखने में मिल जाएगा। जेडल के बारे में बात करें, जियांग वैन के बारे में बात करें, 107 के लगभग पॉइंट करके आपको वैसे एक अच्छा खासा ऑप्शन होने वाला है जेडल की तरफ से। आप अपनी ग्रैंड लीग टीम इनको जरूर लेकर चलिए। दूसरे नंबर पर हम बात करें जिरेन जाओ के बारे में, 265 से ऊपर पॉइंट कवर करके, तो आपके पास एक ठीक ठाक ऑप्शन होने वाला है जेडल की तरफ से। रिस्की प्लेयर जरूर है, लेकिन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर ट्राई कर सकते हैं। समोल लीग इनको आप बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए। एसएस की तरफ से बारे में बात करें, क्लैन बाइक के माकन के बारे में बात करें, 235 से ऊपर पॉइंट कवर करके, हर मैच में लगभग 15 से 25 के बीच पॉइंट कवर करते हैं, तो आपके पास ठीक ठाक ऑप्शन ग्रैंड लीग के लिए होने वाले हैं। तो आप अपनी ग्लैंड एक टीम में जरूर मौका दे सकते हैं। लिटिया रंग के बारे में बात करें, लिटिया रंग 391 के लगभग लीग में पॉइंट कवर करके, आपके पास बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो आप अपनी टीम में इनको एज ए स्मॉल फॉर्ड के रूप में जरूर मौका दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनको आप अपने ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिए, समोली में बिल्कुल भी ट्राई नहीं कीजिए। ये आपके लिए समोली की नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए होने वाले हैं। तो इन प्लेयर को आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। थोड़े रिस्की जरूर है, लेकिन इतने भी रिस्की नहीं है कि आप अपनी ग्रैंड लीग में भी नहीं लेकर चल सकते। तो इनको आप अपनी ग्रैंड लीग में लेकर चलिए। समोली के लिए आपके पास ये चार प्लेयर बेस्ट ऑप्शन है। बाकी अगर आपको समोली के लिए टीम चाहिए या ग्रैंड लीग के लिए टीम चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन द्वारा बता भी सकते हैं। आपको कितनी टीम चाहिए उस हिसाब से भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उस हिसाब से हम आपको टेलीग्राम पर टीम प्रोवाइड करवा देंगे। और अब हम बात करें की प्लेटफॉर्म के बारे में, बात करने से पहले मैं आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। और आपने अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि फाइनल टिप सिर्फ और सिर्फ आपको हम टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा सकते हैं। यूट्यूब पर हम आपको कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो अब हम बात करते हैं की प्लेटफॉर्म के बारे में। जेडल की तरफ से सन मिंगयू के बारे में बात करें, एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में आप अपने पास एक अच्छा खासा बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। यन हाउ जाओ के बारे में बात करें, एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में आप अपनी टीम में जरूर लेकर चल दीजिएगा दोस्तों।
जन सरलोक के बारे में बात करें, एज ए स्मॉल फोर्ड की रूम में आपके पास बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है जेड एल की तरफ से। जेरेड जोन्स के बारे में बात करें, एज ए पावर फोर्ड की रूम में आप अपनी टीम में जरूर मौका दे सकते हैं। जैंकी हु को आप अपनी टीम में एज ए सेंटर रूम में बेस्ट ऑप्शन आने वाला है। तो जेड एल की तरफ से 5 प्लेयर आपके पास बहुत ही अच्छे खासे ऑप्शन आने वाले हैं, तो इनको आप अपने ग्रैंडलिंग में तो ट्राई कर सकते हैं। आपके आप सम्बोलिया के लिए टीम चाहिए तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन द्वारा बता सकते हैं, उस हिसाब से हम आपको अलग से टेलीग्राम पर टीम प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये 5 प्लेयर आपके पास बहुत ही अच्छे खासे ऑप्शन आने वाले हैं, तो इन 5 प्लेयर में से आप अपनी टीम में जरूर पिक कर चल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एसएस की तरफ, तो एसएस की तरफ से आपके पास 5 प्लेयर के बारे में बात करें तो टेंगवेन युआन के बारे में बात करें, एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में लेकर चलिए। जमाल फ्रैंकलिन के बारे में बात करें, एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में बेस्ट ऑप्शन आने वाले। जेंग लुई के बारे में बात करें, एज ए स्मॉल फोर्ड में वो आपके पास एक अच्छा खासा बेस्ट ऑप्शन स्मॉल फोर्ड के रूम में देखने मिले एसएस की तरफ से। जुवेन रेन के बारे में बात करें तो आप अपनी टीम में एज ए पावर फोर्ड के रूम में जरूर मौका दे सकते हैं। जैलिन वांग के बारे में बात करें, एज ए सेंटर रूम में आपके पास बेस्ट ऑप्शन आने वाला है। तो 5 प्लेयर आपको बहुत ही अच्छे खासे परफॉर्मेंस में बेस्ट ऑप्शन आने वाले, जिनको आप अपनी टीम में देख ड्रीम टीम में लेकर चले तो आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर के बारे में। बात करने से पहले मैं आपको बता दें, हमने डिस्क्रिप्शन में विजन इलेवन का लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जाकर आप भी विजन इलेवन को डाउनलोड करें। विजन इलेवन को क्यों डाउनलोड करें, क्योंकि कम पैसे इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसे सिर्फ और सिर्फ आप विजन इलेवन पर ही कमा सकते हैं, यानी कि एंट्री फीस भी कम है, कॉम्पिटिशन भी कम है और विनिंग प्राइस बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा होने वाला है। तो अभी डाउनलोड करें आप विजन इलेवन और अपनी फंटेसी टीम तैयार करें, और हमारा रेफर कोड यूज़ करके आपको एक अच्छा खासा बोनस भी मिलने वाला है। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप अभी डाउनलोड करें और अपनी फंटेसी टीम तैयार करें सिर्फ और सिर्फ विजन इलेवन पर। अब हम बात करते हैं हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर के बारे में। तो हमने हमारी तरफ से दोनों टीमों में से 5-5 बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर आपको पिक करके दिए दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं जेडल की तरफ से सन मिंगयू के बारे में, एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में 802 से ऊपर पॉइंट कवर करके तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। येन हाउ जाओ के बारे में बात करें, एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में 720 पॉइंट कवर करें। जियान वैंग के बारे में बात करें, एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में 107 पॉइंट कवर करके। जू जन लॉन्ग के बारे में बात करें, एज ए स्मॉल फोर्ड के रूम में 526 के लगभग पॉइंट कर करें। जेरेन जाओ के बारे में बात करें, एज ए स्मॉल फोर्ड के रूम में 265 पॉइंट कर करके। तो ये 5 प्लेयर दोस्तों जेड एल की तरफ से बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इनमें से आप अपनी ड्रीम टीम में प्लेयर पिक कर चले तो आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं एसएस की तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंगवेन युआन के बारे में, एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में 636 पॉइंट कवर करके। सब अब हम बात करते हैं जमाल फ्रैंकलिन के बारे में, तो जमाल फ्रैंकलिन एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में 851 पॉइंट कवर करके। ली टियारोंग के बारे में बात करें, एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में 391 पॉइंट कवर करके। जेंगेन ल्यू के बारे में बात करें, तो एज ए स्मॉल फोर्ड के रूम में 620 पॉइंट कवर करके। मकान के बारे में बात करें, जो कि एज ए स्मॉल फोर्ड के रूम में एसएस की तरफ से खेलते हैं, 235 के ऊपर पॉइंट कवर कर रखे तो एसएस की तरफ से बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस में आपको देखने में मिल जाएंगे, तो इनमें से आप अपनी ड्रीम टीम बनाकर चले तो आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में। बात करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दें दोस्तों, कम पैसे इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसे विन करने का मौका सिर्फ और सिर्फ आपको विजन इलेवन ही देता है, क्योंकि एंट्री फीस भी कम है, कॉम्पिटिशन भी कम है, विनिंग प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो अभी डाउनलोड करें और अपनी फंटेसी टीम सिर्फ और सिर्फ विजन इलेवन पर बनाएं, और हर मैच में हर टीम हर गेम में आपको 5-5 मिनट एक्स्ट्रा डेडलाइन भी मिलती है। तो अभी डाउनलोड करें और अपना फंटेसी टीम तैयार करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर। अब हम बात करते हैं बेस्ट ऑप्शन कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में, हम आपको दोनों टीम में से 3-3 प्लेयर पिक करके देने वाले हैं। सन मिंगयू के बारे में बात करें, जेड एल की तरफ से आ जाए पॉइंट गार्ड के रूम में खेलते हैं, आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में जरूर मौका दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करें यन हाउ जाओ के बारे में, तो आप अपनी टीम में एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में लेकर चलिए तो चलिएगा, लेकिन आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में भी आपके पास बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं। जिंकी हु के बारे में बात करें, एज ए सेंटर रूम में जेड एल की तरफ से खेलते हैं, तो कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में जरूर मौका दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं एसएस की तरफ से टेंगवेन युआन के बारे में, एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में खेलते हैं, 436 के लगभग पॉइंट कवर करके, तो आप अपनी टीम में जरूर मौका दे सकते हैं। जमाल फ्रैंकलिन के बारे में बात करें, एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में 851 पॉइंट कवर करके, तो आप अपनी टीम में जरूर लेकर चलिए एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में। जैलिन वांग के बारे में बात करें, एज ए सेंटर रूम में 955 पॉइंट कवर करके कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में बेस्ट चॉइस होने वाले हैं। तो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, चाहे आप सम्मोली टीम बनाए चाहे ग्रैंडली टीम बनाए, इन्हीं प्लेयर में से अपने कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करके चलिए, यही 6 प्लेयर आपके पास बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में। इनके अलावा किसी प्लेयर को अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन मत लेकर चलिए, चाहे स्मॉल लीग टीम हो चाहे ग्रैंड लीग टीम हो, चाहे 10 टीम बनाए चाहे 20 टीम बनाए चाहे 5 टीम बनाए, इन्हीं में से अपने कैप्टन वाइस कैप्टन पिक कर चलिएगा। इंजरी कोई भी प्लेयर नहीं है दोस्तों, सभी प्लेयर फिट है। स्क्वाड के बारे में अगर हम बात करें तो हर एक प्लेयर का नाम बताने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को पॉज करके स्क्वाड की तरफ जरूर नजर मार लें, क्यों नहीं, में से आपके प्लेइंग एट होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं पॉसिबल प्लेइंग एट के बारे में, तो हमने हमारी तरफ से दोनों टीमों में से 8-8 प्लेयर पिक किए, यानी कि हमारे हिसाब से आज के मैच में यह प्लेयर खेलने वाले, बाकी हम आपको लाइन पाने के बाद
टेलीग्राम पर टीम प्रोवाइड करवा देंगे। अब हम बात कर रहे हैं हमारी ड्रीम टीम के बारे में, तो आज आप अपनी ड्रीम टीम में पॉइंट गार्ड के रूम में मिंगुई को मौका दे सकते हैं, जैस डेल की तरफ से बेस्ट ऑप्शन है वाले। शूटिंग गार्ड के बारे में बात करें तो हमारे पास तीन ऑप्शन बहुत ही अच्छे खासे शूटिंग गार्ड के रूम में देखने मिले, तो हम अपनी पहली टीम में तीन शूटिंग गार्ड लेकर चलें। तो फ्रैंकलिन के बारे में बात करें SS की तरफ से बेस्ट ऑप्शन शूटिंग गार्ड के रूम में, या झाओ के बारे में बात करें ZL की तरफ से शूटिंग गार्ड के रूम में बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस में आपको देखने को मिल जाएगा। TRM के बारे में बात करें तो SS की तरफ से शूटिंग गार्ड के रूम में बेस्ट ऑप्शन होने वाले, तो इनको आप अपनी टीम में मौका जरूर दे सकते हैं। स्मॉल फोर्ड के बारे में बात करें, जनलोंग आपके पास बेस्ट ऑप्शन स्मॉल फोर्ड के रूम में ZL की तरफ से होने वाले। पावर फोर्ड के बारे में बात करें, गुओ को अपनी टीम में पावर फोर्ड SS की तरफ से, और JRN को अपनी टीम में SS की तरफ से पावर फोर्ड के रूम में लेकर चले, तो आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। सेंटर के बारे में बात करें, ZWang आपके पास बेस्ट ऑप्शन है सेंटर रूम में होने वाले। कैप्टन वॉइस कैप्टन के बारे में बात करें, SMingui को आप अपनी टीम में कैप्टन के रूम में, और अगर हम बात करें वॉइस कैप्टन के बारे में तो ZWang को अपनी टीम में वॉइस कैप्टन रूम में लेकर चले, तो आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें दोस्तों। आपकी लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि फाइनल टीम सिर्फ और सिर्फ आपको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा सकते हैं, यूट्यूब पर हम आपको कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं करवा सकते।